hello my dear cute little children out there i hope each one of you is in best of your health so students i hope you all missed me because i missed you a lot so here i am back again with the new phonics class so students today we are going to learn about the bossy r so bachcho kya aap jante ho ki is r ko humne bossy r kaha Do you know that who is a boss? See this picture. Hmm. So now you know that who is a boss. The boss is a head. और जब कभी भी हमारे आस पास बॉस होता है तो सब लोग शांत हो जाते हैं और कौन बोलता है द बॉस सो लाइक वाइज हेयर आर प्लेज द रोल ऑफ द बॉसी आर सो कहने का मतलब ये है हम आर को वॉल्स के साथ यूज़ करते हैं तो वॉल्स के साउंड साइलेंट हो जाती है और जो हमारा आर है वो बॉसी आर बन जाता है सो so, आपको ये ध्यान रखना है जब कभी आर जो है वो वॉल के बाद यूज़ होगा तो आपको आर के साउंड को लाउट करना है और वॉल्स की साउंड को लो करना है सो लेट्स नो मोर अबाउट दिस थ्रू दिस हियर वी गो सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस लर्न द यूज ऑफ आर आफ्टर द वॉल्स जैसा कि मैंने आपको बताया आर जहाँ पे भी यूज़ होगा वहाँ पे जो वॉल साउंड है वो लो हो जाएगी और आर साउंड जो है वो बॉसी हो जाएगी या लाउडर हो जाएगी नाउ लेट सी दिस सबसे पहले तो हम सभी वॉल्स को लेंगे जैसे ए ई आई ओ एंड यू अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो साउंड है वो चेंज होती है देखिए जब आप कभी भी वॉल को सेपरेटली यूज़ करते हैं तो ज़्यादा प्रवलेंट वॉइस जो है वो वॉल की होती है बट इन द केस वी यूज़ इट बिफोर आर हमारी आर की साउंड लाउडर होगी और हमारी वॉल्स की साउंड लो होगी फॉर एग्जाम्पल विद ए ए आर सो वी विल से आर आर तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रेवलेंट साउंड जो है वो आर की है इट्स आर ज्यादा आपकी साउंड आर की ही सुनाई दे रही है नाउ वी विल सी यूज ऑफ आर विद ओ अगर ओ के बाद आर की साउंड का यूज होता है तो उसकी साउंड और आती है और और सो अगेन आर साउंड इज लाउडर देन ओ साउंड नाउ विद द रेस्ट ऑफ थ्री वॉल्स विच आर आई यू एंड ई आर की साउंड जो है वो आर साउंड करेगी तीनों में आर 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 ओके लाइक इन टीचर फाइन सो आपने देखा ए आर में आर की साउंड आर है ओ आर में आर की साउंड और है और आई आर यू आर और ई आर e में आर की साउंड आर साउंड करेगी आर ओके नाउ लेट अस सी थ्रू द वर्कशीट्स नाउ इन द फर्स्ट वर्कशीट वी विल सी द वॉल्स यूज विद द वर्ड आर सभी वॉल्स को हम ए आई e, ओ और यू पाँचों वॉल को हम यूज़ करेंगे आर के साथ और देखेंगे कि इनकी साउंड क्या रहेगी तो आपको याद है मैंने आपको बताया ए के साथ आर की साउंड आर रहेगी आर सो लेट्स सी सम ऑफ द वर्ड्स यार बार काड याड मार्बल स्काफ सो आप देख रहे हैं इन सभी वर्ड्स में हमने आर के साउंड को ज्यादा लाउड रखा है और ए के साउंड को लो रखा है इन द सिमिलर वे मैंने आपको बताया ई e आर की साउंड आर साउंड आएगी अर साउंड सो लेट्स Letter, nerve, serve, dinner, hammer, anger, or sound. Now let us see the sound with I. I -R, again ur sound. First, birth, skirt.

And born. So, or sound is or sound. Now, let us see the last sound, which is ur sound, r sound. Purple, curl, blur, bop, surf, church. So, these are all r sounds. र, okay. So, I hope you are all clear with this. er sound is the r sound, er sound is the er sound, ir sound is the er sound, or sound is the or sound, and ur sound is the er sound. तो आपको ये याद रखना है, जब कभी भी r जो है, वो किसी भी wall के साथ आता है, तो r की sound जो है, वो prevalent होगी, वो louder होगी. और वॉल की साउंड जो है वो लो साउंड होगी तो आपको आर को बॉसी आर बनाना है जब कभी भी वो वॉल के साथ आता है सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड प्रैक्टिस हार्ड रीड दिस एक्सरसाइज थर्ली एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग द वर्ड्स विद द करेक्ट पर्नाशन सो आफ्टर फ्यू डेज आई विल बी पोस्टिंग सम ऑफ द वर्कशीट्स फॉर यू सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड बाय फॉर नाउ